इस तरह के डोरमेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज हम खराब लेसों से हम बनाएंगे आज डोरमेट। जैसे आप सभी ने तो साड़ी देखा ही होगा, और साड़ी के लेस वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं वेस्ट फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इस साड़ी के लेस का डोरमेट बनाएंगे। ये देखिए, ये साड़ी वेस्ट है, साड़ी भी वेस्ट थी और लेस भी वेस्ट हो जाता है, तो आप इसका बना सकते हो। और ये साड़ी का लेस तो आप समथिंग सबके घरों में रहता ही है, और जिसको आइडिया नहीं है वो फेंक भी देते हैं, क्योंकि वेस्ट समझ के, ये ज़रूरत नहीं है इसीलिए वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो हम इसका आज डोरमेट बनाने वाले हैं। तो इस तरह से इन तीनों का इस तरह से देखिए इस, और ये तीनों को एक इतना बराबर से ही तीनों को पहले से इस तरह से हम सुई धागा से ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ये सुई धागा से हम इस तरह, ये देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड लेस। अब तीनों लेसों को हम एक साथ ऐड कर देंगे, तीनों को इस तरह से सील करके। और साड़ी के लेस को वेस्ट समझ के कभी मत फेंकिए, रखे रहिए, आपको ज़रूरत पड़ता ही है। आप इसे यूज कर सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, और इसका बहुत ही प्यारा लुक आएगा डोरमेट बन के। सिलने के बाद इसे कैंची के मदद से आप इसे थोड़ा सा जो अवस्था से कट कर लेंगे। अब इन तीनों को इस तरह से पकड़ लेना है, जैसे चोटी बनाते हैं बाल में अपने, जैसे इसी तरह से हमें इसे भी पौनी बना लेना है इस तरह से। इस तरह से चोटी बना लेना है। ये देखिए, और इसका डोरमेट भी बहुत हल्का होता है, ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरे चोटी के तरह पूरा कंप्लीट करना है। ये मैं लेस से बना रही हूँ साड़ी का, बट आप साड़ी भी यूज कर सकते हैं, पुरानी साड़ी, पुरानी कोई भी कपड़े ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन साड़ी और लेस में थोड़ा बड़ा रहता है तो थोड़ा इजी रहता है। बाकी बनाने के लिए तो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं साड़ी ही हो। ये दो लेस कम पड़ गए थे, अब इसमें हम फिर से ज्वाइन करेंगे बड़ा करने के लिए। आपको जितना बड़ा करना है उतना ज्वाइन कर सकते हैं। ये हम अब ज्वाइन करेंगे इन दोनों में जो छोटा हो गया इसको इस तरह से, और इसे इस डोरमेट को इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, आप इजीली आप बना सकते हो और बहुत फास्ट बन जाता है। आराम से आप धूप में बैठ के ये बना सकते हो। ये डोरमेट अटैच करना है, कैंची से कट कर देना है धागे को। इस तरह से पूरा मल्टी कलर्स के लेस को हम कंप्लीट कर दिए हैं चोटी जैसे बना करके। अब इसे हम ज्वाइंट करेंगे, अब इसका हम डोरमेट बनाएंगे। और ध्यान रहे ये साइड वाला से ही पहले अटैच करना है, क्योंकि इधर से अटैच करेंगे तो इजी रहेगा इस तरह से। तो हम यहाँ से अब अटैच करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये अब सुई धागा ले लेंगे, इसे सुई धागा से ही अटैच करना है इस तरह से, लास्ट वाले से इस तरह से।
ऐसे इस तरह से यहीं पे इस तरह से इसे ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। अच्छे से सिलाई करना है क्योंकि अगर निकल गया तो खुल भी सकता है, इसीलिए यहीं से अच्छे से अटैच करते जाना है इस तरह से। इस तरह से हम गोल शेप में बना रहे हैं, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, चरकोन भी बना सकते हैं। इस तरह से इसी तरह से आपको पूरा सिलते जाना है और सिलाई मारते जाना है, फोल्ड करते जाना है। इस तरह से इस तरह से इसी तरह से आपको पूरा इस तरह से बनाना है इस तरह से। इसी तरह से सिलते जाना है, बनाते जाना है। तो हम सिलेंगे, इतना सिलते जाना है यहीं से, इस तरह से सिल के पूरा कंप्लीट करना है। इसी तरह से मैं इतना कंप्लीट कर ली हूँ, इसी तरह से कंप्लीट पूरा हो गया है। हाथ से ही सिलाई।